दिल्ली से शुरू हुई ईडी की सियासत अब छत्तीसगढ़ में भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश बघेल के लगाए आरोपों पर पलटवार किया है। रमन सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मेरे कार्यकाल में एक रुपए का भ्रष्टाचार मिल जाए तो मैं सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा देने को तैयार हूं। अगस्ता से लेकर चिटफंड मामले में अगर एक रुपए का भी प्रमाण मिले तो सीएम भूपेश जमा कर लें। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि तैयार रहे, आईटी के बाद ईडी भी आता है। इससे पहले भूपेश बघेल ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध करते हुए बीजेपी पर हमला बोला था और ईडी पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के पूर्व सीएम रमन सिंह और उनके बेटे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सीएम भूपेश ने कहा कि पनामा पेपर में रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह का नाम आया है, ईडी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। चिटफंड मामला में 3 साल 9 महीने हो गए, क्या छत्तीसगढ़ की पुलिस आपके सारे अधिकारी जो जितनी जांच कर रहे हैं, 40 से ज़्यादा एफआईआर हो गया मेरे और अभिषेक के खिलाफ, कोई एक पैसे का मामला बना पाए। बात को जोर जोर से बोल देने से, डाइवर्ट करने से काम नहीं चलेगा, जवाब आपको देना पड़ेगा। छदावे के साथ कहता हूँ, किसी मामले में अगस्ता से लेकर चिटफंड से लेकर अन्य मामले में एक रुपये का भी कोई प्रमाण आप इकट्ठा कर लें, डॉक्टर रमन सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा देने को तैयार है। मगर आप इसके लिए भी तैयार रहें, आईटी के बाद ईडी आता है, ईडी आया, ये भय दिखा आपके मन में कायम है, मगर सच्चाई तो छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आएगी। छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह और उसके बेटे ने पनामा में गड़बड़ी की है, उसकी जांच क्यों नहीं करते? नाम के एफआईआर इनके पास है, क्यों नहीं कार्रवाई करते? यहाँ लाखों करोड़ों लोगों का पैसा चिट फंड कंपनियों में जमा है, हजारों करोड़ रुपया उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसकी जांच ये कब करेंगे? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करते इस जांच? हिम्मत तो जांच करके बताए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जुड़े हैं, उसके पूर्व मुख्यमंत्री इसे जांच नहीं करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गौरव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। गौरव, हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और रमन सिंह ने यह बोल दिया कि आईटी के बाद ईडी भी आता है, इस तरह की बयानबाजी का क्या मायने निकाले जाए? जी बिल्कुल, देखिए यदि हम ईडी की कार्रवाई की बात करें तो पहले दिन से ही, जिस दिन से राहुल गांधी को ईडी द्वारा सम्मन भेजा गया था तब से लेकर अब कल जब सोनिया गांधी को ईडी के संबंध पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब से ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक अहम भूमिका निभा रही है। लगातार जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता है, चाहे मुख्यमंत्री हो या बड़े नेता हो, राहुल गांधी के ईडी के पूछताछ के दौरान दिल्ली में थे और रायपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में इसका विरोध हुआ था और कल एक बड़ा धरना प्रदर्शन जो है वो ईडी कार्यालय रायपुर के सामने किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल और साथ में पूरे प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। कल मंच से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी को आड़े हाथों लिया था और लगातार ईडी को घेरते हुए कहा था कि उनको यदि हिम्मत है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे राहुल जो है माफ कीजिएगा उनके बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई है पनामा पेपर मामले में वो कार्रवाई करें। साथ ही साथ जो चिट फंड कंपनी में जो लगातार पैसे का निवेश हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसकी कार्रवाई करें। नान का एक मामला कल मुख्यमंत्री ने भी उठाया था, कहा था मंच से कि नान के मामले में मैडम सीएम और जो दूसरों के नाम पेपर में आए थे, जो डायरी में आए थे, उसमें अभी तक ईडी क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इस तरीके से कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार ईडी को और साथ में केंद्र सरकार को और भूपेश बघेल ने जो डॉक्टर रमन सिंह है उनको आड़े हाथों लिया था और लगातार सवाल पर खड़े किए थे। और उसी कड़ी में आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल को चुनौती दी है कि यदि एक भी उनके खिलाफ एक रुपए का भी यदि अगस्ता मामले में हो या फिर चीट फंड मामले में या फिर अन्य मामले में कोई भी उनके ऊपर एक रुपए का दावा ठोकता है कि ये इस मामले में लिप्त है तो वो सार्वजनिक जीवन से अपना इस्तीफा दे देंगे। तो एक बड़ा बयान पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया है, उनके बयान के हिसाब से वो राजनीति छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में राजनीति जो है वो ईडी की जो दिल्ली से शुरू हुई थी वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। भूपेश बघेल भी एक तरफ
ईडी के उप खिलाफ एग्रेसिव है, और साथ ही साथ रमन सिंह ने भी आज ये बता दिया है कि यदि कुछ कार्रवाई करनी है तो करें, लेकिन पहले पूरे दस्तावेज दे। 3.5 साल हो गया है रमन भूपेश सलकाल को यहाँ पर कार्यकाल में, लेकिन पुलिस ने अभी तक एक भी FIR, चाहे वो भूपेश रमन सिंह के खिलाफ हो या फिर उनके बेटे के खिलाफ हो, एक भी चिटफंड मामले में FIR नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक उठापटक जो है ईडी को लेकर वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल गौरव, और छत्तीसगढ़ में ईडी पर सियासत हो रही है दिल्ली के बाद, अब छत्तीसगढ़ में ये कह सकते हैं कि भूपेश बघेल ने सीएम, पूर्व सीएम को आड़े हाथों लिया है। इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया गौरव।